हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो पे मैं आज आपको सिखाऊंगा कैसे आप बहुत आसानी से अपना एरिया का पिन कोड को कैसे पता कर सकते हो। सो गाइस, समझ लीजिए, आपने बहुत टाइम ऐसा होता है कि जैसे कि अपने अमेजोन फ्लिपकार्ट से या गाइस कोई भी अदर वेबसाइट से अगर समझ आपको ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो या गाइस देखिए बहुत सारे केसेस में आपसे आपका एरिया का पिन कोड पूछा जाता है। तो गाइस आप क्या करते हो उस वक्त, आपका पिन कोड याद नहीं रहता तो आप ये सोचते हैं तो अरे यार मेरा एरिया का पिन कोड क्या था। सो गाइज, आज के इस वीडियो पे मैं आज आपको सिखाऊंगा कैसे आप जो एक चुटकियों में अपना एरिया का पिन कोड पता कर सकते हो। सो गाइज, आज के इस वीडियो पे पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना होगा। और गाइज आपसे बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारा इस चैनल पर न्यू आया हो तो देखो नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, लाल वाला बटन को दबा के हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और गाइस अभी तक बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया तो गाइस वो भी दबा दो, ताकि हमारा इस चैनल पे नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया वीडियो आए तो गाइस सबसे फर्स्ट आप लोगों से मिलता रहे। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैप का ऑप्शन एकदम ऊपर देखने को मिल रहा है, सिंपल आप मैप पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि आपने मैप पे क्लिक करोगे तो गाइज आपका सामने इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो गाइज सिंपल देख सकते हो GPS का आइकॉन है, सिंपल देख सकते हो नीचे ग्रीन कलर इसके ऊपर। तो गाइज आप जहाँ पे भी रहोगे ना सिंपल GPS पे क्लिक कर देना है, तो ये देख सकते हो अपना एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइज अगर आपको अपना एरिया का पिन कोड निकालना है तो गाइज आपको क्या करना है, गाइज आपको काफ़ी सारा शॉप वगैरह देख सकते हो, पेट्रोल पंप वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज समझ लो आप ये बोलोगे कि मैं ऐसा कैसे निकालूंगा अपना एरिया का पिन कोड। तो गाइज देख सकते हो जैसे अपना नज़दीकी एरिया पे देख सकते पुलिस स्टेशन है, तो गाइज यहाँ पे पुलिस स्टेशन का आइकॉन देखने को मिल रहा है। तो गाइज सिंपल मैं इसी के ऊपर एक बार क्लिक कर दूंगा। तो गाइज देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया पुलिस स्टेशन में, तो गाइज सिंपल आपको नीचे की तरफ से शटर को ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है। जैसे कि शटर को स्क्रॉल करोगे देखिए पुलिस स्टेशन के ऊपर फुल एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, उसके नीचे देखिए वह महाराष्ट्र लिखा है, उसका देख सकते हो पिन कोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप जिस एरिया पे रहोगे ना तो आपका नज़दीकी कोई शॉप वगैरह देखना होगा, जैसे कि गूगल पे यहाँ पे लिस्टिंग हो। ओके, तो जैसे कि आपको देख सकते हैं सब आपको लोकेशन का आइकॉन जैसे देखने को मिल रहा है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे पेट्रोल पंप हो गया। ओके, तो गाइस सिंपल यहाँ पे देखिए पेट्रोल पंप पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे कि मैंने पेट्रोल पंप पे क्लिक कर दूंगा और देख सकते हो यहाँ पे पेट्रोल पंप पर कुछ फोटो वगैरह देखने को मिलेगा। तो आपको भी समझ में आ जाएगा आप जिस भी एरिया पे रहोगे पेट्रोल पंप वगैरह आपका नज़दीकी जो शॉप वगैरह रहता है ना वो गूगल पे फोटो लिस्टिंग करता है, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए सिंपल ऊपर की तरफ शटर को स्क्रॉल कर देता हूँ, आप गाइस देख सकते हो यहाँ पे, चलिए सी और पे क्लिक कर देता हूँ। गाइस आप देख सकते हो तलुजा नाभी मुंबई महाराष्ट्र, और देख सकते हो उसका बाजू में आपको पिन कोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइस आप जिस भी एरिया पे रहोगे तो आप इसी टाइप से आप जो पिन कोड को निकाल सकते हो। तो चलिए सिंपल नज़दीकी कोई शॉप वगैरह देख लेता हूँ। तो गाइस सिंपल देख सकते हो नज़दीकी यहाँ पे देख सकते हो HDFC बैंक का ATM भी है। तो चलिए सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद जैसे कि क्लिक कर दूंगा सिंपल शटर को ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर दूंगा। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे देवी चपड़ा तलोजा MIDC पनवेल। ओके, तो गाइस उसके साथ साथ देखिए आपको पे पिन कोड भी देखने को मिलेगा 410-208। तो गाइस इस एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो गाइस अब इसी प्रकार से आप अपना एरिया का पिन कोड आप जो बहुत आसानी से घर बैठे बैठे निकाल सकते हो।